कुछ ऐसे नाम जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं विवेक विहार में रहता हूँ। पिछले 45 वर्षों से विवेक विहार ओसवाल भवन में जब भी चतुर्मास हुआ है मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला है। और वहां से कुछ जिज्ञासा पैदा हुई, जिज्ञासा तो पहले भी थी। जिस व्यक्तित्व को राष्ट्रपति सम्मानित करे, राजनीतिक दृष्टि से अनेकों व्यक्तित्व सम्मानित होते आए, होते रहे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से कोई व्यक्तित्व जब सम्मानित होता है, वो भी राधा कृष्ण सर्वपल्ली जैसे व्यक्तित्व के हाथों, कोई ना कोई तो बात है। तभी से जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पढ़ा जाए, वो अवसर मिला उनको सुनने का, सुना। कुछ बातें मैं कहकर जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैं अपनी बात को पूरा करूँ। और मुझे सौभाग्य अनेकों घटनाएं, भगवान महावीर जी की जयंती विधानसभा में मने, ये भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के आदेश से उनसे बातचीत करने पर 3 बार ये सौभाग्य मिला। और पिछले वर्ष एक विचार गोष्ठी, बाबूलाल जी का आग्रह था, कुसुम जी का था, बापना जी का भी आग्रह था कि 104वें वर्ष पर जयंती के अवसर पर विधानसभा में विचार गोष्ठी हो, और वो भी एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। जैसा भी शिवचंद जी ने कहा, लगभग पुष्पा जी की लीडरशिप में हमारी विधानसभा में लगभग 100 के करीब बहनें वहाँ आई, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मैं तो यही कहूँगा, क्यों सीखने को मिला? जिस समाज ने महिलाओं को आगे कर लिया, फिर वो स्वयं में तुलसी हो गया, मैं कह सकता हूँ, इसमें कति शोक्ति नहीं। मुझे आदेश हुआ, रामलीला जी विवेकानंद महिला कॉलेज है, बालिकाओं का विद्यालय है, उस चौक पर बालिका सुरक्षा। उन्होंने जो हमें दिया वो बहुत बड़े संगायक थे, संगीत रचनाकार थे, और उनके गीत मानवता के सभी जो उनके गीत ये बड़े मार्मिक गीत हैं, उन गीतों का 1-2-3 सैंपल बहुत थोड़े में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। उन्होंने प्रश्न उठाए हैं और समाधान भी किए हैं। उन्होंने एक गीत में प्रश्न उठाया है कि आप मानव हैं, लेकिन आप मानवता के रास्ते पर कहाँ तक चलते हैं, स्वयं को समझाए। मानव बोलो मानवता की राह